मेरी जेठानी दिखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वह चल फिर नहीं सकती थी। मेरा पति रोज रात को जेठानी के कमरे में जाता और अंदर से दरवाजा बंद कर लेता। मैंने जेठानी के कमरे में कैमरा लगा दिया और जब अगले दिन मेरा पति उसके कमरे में गया तो उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। मेरे मोबाइल में जेठानी की रूम का नजारा देखकर मैं बेहोश हो गई, क्योंकि मेरा पति रात भर जेठानी के साथ। मेरी शादी को अभी 5 महीने ही हुए थे। इस दौरान मैंने अपने पति रोहन में बहुत बदलाव महसूस किया। वह ज्यादातर अपनी भाभी की बात सुनता था, छोटी मुश्किलों पर भी वह अपनी भाभी से बातें करता और मेरी बड़ी सी बड़ी बात पर भी ध्यान नहीं देता था। शुरू में तो मुझे लगा कि 10 साल पुरानी भाभी से लगाव तो देवर को होता ही है और बीवी के आ जाने के बाद यह लगाव कम हो जाता है, लेकिन रोहन और उसकी भाभी के बीच का लगाव मुझे कभी कम होता नजर ही नहीं आया। अब तो मुझे यह लगने लगा था कि बात सिर्फ लगाव की नहीं है, दोनों के बीच इससे ज्यादा ही कुछ है। मेरी जेठानी इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी मर्द उसे देखते ही उस पर फिदा हो जाता। मुझे इसकी इस खूबसूरती से डर लगता था। मुझे यकीन हो गया था मेरा पति रोहन अपनी भाभी की खूबसूरती की वजह से उनसे दूरी नहीं बना पा रहा है। एक दिन सुबह जब मैं उठी तो देखा कि रोहन अपनी भाभी के कमरे से निकल रहा था और मुझे देखते ही वह घबरा गया और सीधे कमरे में जाकर बाथरूम में घुस गया। मैं समझ गई थी कि सुबह सुबह रोहन अपनी भाभी के साथ क्या कर बाथरूम में नहाने घुसा है। मैंने जोर से बाथरूम का दरवाजा पीटा और बोली, रोहन, तुम्हें इस औरत के साथ ही यह सब करना था तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? मैं आज ही अपने मायके जा रही हूं। मेरी बात सुनते ही रोहन ने दरवाजा खोला और एक जोरदार थप्पड़ मुझे लगा दिया और मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। मैंने भी रोहन को एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। रोहन ने मेरे हाथों को पकड़ लिया और मुझे खींचते हुए बेड पर जाकर पटक दिया और बोला, आइंदा कभी भाभी के बारे में ऐसी बातें की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कुछ कहती कि रोहन ने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और बाहर चला गया। मैं बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन मेरी जेठानी मुझे देखती तक नहीं थी और रोहन सुबह का नाश्ता किए बगैर ड्यूटी पर चला गया। 1 घंटे में मैंने भी अपना सामान पैक किया और मायके के लिए निकल पड़ी। मेरी जेठानी ने पूछा कि कहाँ जा रही हो। मैंने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। मेरी इस तरह घर छोड़कर जाने की खबर रोहन को भी पता चल चुकी थी। बस पकड़कर मैं शाम तक अपने मायके पहुंच गई और रोहन मुझे लगातार कॉल कर रहा था, लेकिन मैंने उसकी कॉल रिसीव नहीं की और घर पहुंचते ही मैंने अपना फोन बंद कर लिया और अपनी माँ को सारी बातें बताकर रोने लगी। माँ बोली, तुमने बिल्कुल सही किया, आज यहाँ आ गई। अब तुम रोहन के पास तभी जाना जब रोहन जेठानी से दूरी बनाकर रहे। आखिर रोहन के पास किस चीज की कमी है? इसके 2-3 फ्लैट है, वह मुझे लेकर अलग क्यों नहीं रहता? मेरी छोटी बहन रिया भी मुझे लेकर बेहद परेशान थी। इसकी शादी भी होने वाली थी, 2 महीने रह गए थे। मेरे हालात देखकर वह अब ससुराल के नाम से डरने लगी थी। मेरा छोटा भाई अपनी जॉब से जब घर आया तो मुझे इस तरह घर पर आया हुआ देखकर परेशान हो गया। रिया ने रात का खाना बनाया और हम सभी एक साथ ही खाना खाने बैठ गए। खाने के बाद मैंने अपना फोन ऑन किया ही था कि रोहन की फिर से कॉल आना शुरू हो गई। मेरी माँ ने देखा तो गुस्से में बोली, तू फोन मुझे दे, मैं इस कमीने से बात करती हूँ। लेकिन मैंने माँ को फोन नहीं दिया और खाना खत्म करके अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर मैंने रोहन का फोन रिसीव किया तो रोहन ने कहा, प्रिया तुम अपनी मर्जी से गई हो तो याद रखो कि तुम्हें अपनी मर्जी से ही आना होगा, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें बुलाने नहीं आऊंगा। रोहन की यह धमकी भरी बातें सुनकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। मैं बोली, तुम मुझे बुलाने क्यों आओगे? तुम यही तो चाहते थे कि मैं वहां से चली जाऊं। अब जी भर के उस औरत के साथ अय्याशी करो। तुम बुलाने भी आओगे तो भी मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगी। इस बात को 2 महीने गुजर चुके थे। मैं रोहन का इंतजार करती रही। अगर उसे इसकी गलती का एहसास हो जाता तो मैं दौड़ी हुई अपने ससुराल पहुंच जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं लगातार उसके फोन का इंतजार करती रही, लेकिन 2 महीने में एक बार भी उसने मुझे कॉल तक नहीं की। अब मुझे लगने लगा था कि रोहन मुझे छोड़ चुका है, उसे मेरी जरूरत ही नहीं है। जब इतनी खूबसूरत औरत उसके पास मौजूद है तो फिर मुझ जैसी सादा लड़की की उसे जरूरत भी क्या है। मैं रोहन को लेकर बेहद उदास हो चुकी थी और मुझे इस हाल में देखकर मेरे घर वालों को भी दुख होता था। जैसे जैसे मेरी छोटी बहन की शादी नजदीक आ रही थी,
घर में काम बढ़ता जा रहा था। इसकी शादी को अब सिर्फ 15 दिन बाकी रह गए थे और मेरे बाबा भी 1 महीने की छुट्टी लेकर घर आ गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि हम रिया की शादी के बाद तुम्हारे ससुराल जाकर रोहन से फाइनल बात करेंगे। अगर वह तुझे अपनाने को तैयार नहीं हुआ तो उस पर केस दर्ज करवा देंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए जैसे जैसे रिया की शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी, मेरा दर्द बढ़ता चला जा रहा था। मुझे मायके आए हुए 3 महीने का वक्त गुजर चुका था। प्रिया की शादी में सिर्फ हफ्ता रह गया था और शादी के कार्ड भी छप चुके थे। एक दिन मैंने रोहन को कॉल मिलाई और बोली, शादी में नहीं आओगे? रोहन ने कहा, मुझे तो अभी तक यह मालूम नहीं कि शादी किसकी है। मैंने कहा, 8 तारीख को रिया की शादी है। रोहन ने कहा, लेकिन तुम्हारे घर से तो मुझे किसी ने खबर भी नहीं दी, ना ही शादी का कार्ड पहुंचा। मैंने कहा, तुम इस घर के दामाद हो, तुम्हें तो बिना कार्ड के ही शादी में पहुंचना चाहिए। रोहन ने कहा, तुम्हारे घर वाले अगर दामाद समझते तो जरूर खबर करते, लेकिन ना तो तुम्हारे बाबा ने मुझे कॉल की और ना ही तुम्हारी माँ ने। मैंने कहा, मैं तुमसे कह रही हूँ, क्या इतना काफी नहीं है? रोहन ने कहा, ठीक है, मैं शादी वाले दिन पहुंच जाऊंगा। शादी की सुबह उठकर मैंने लाल रंग की मैक्सी पहन ली। यह मैक्सी मुझे रोहन ने ही गिफ्ट दी थी, इसलिए यह मैक्सी मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी। मुझे उम्मीद थी कि रोहन दोपहर तक आ जाएगा और रोहन के आने के बाद उसे रात को यहीं रुकना पड़ेगा। जब वह रात भर मेरे साथ रहेगा तो उसका दिमाग ठिकाने आ ही जाएगा। मैंने सुबह फिर रोहन को फोन लगा दिया, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं आया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन ना तो रोहन आया और ना ही उसकी कोई कॉल आई। मैं बेहद मासूम हो गई। देर रात तक रिया की खुशी खुशी विदाई हो गई और मैं दुखों का पहाड़ सीने पर लिए अपनी माँ से लिपटकर रोने लगी। देखने वाले सोच रहे थे कि मैं रिया की विदाई में रो रही हूँ, लेकिन सच तो यह था कि मैं इस वक्त अपनी किस्मत पर रो रही थी। देर रात जागने के बावजूद अगली सुबह जल्दी उठ गई और मैंने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं आज ही अपने ससुराल चली जाऊंगी। मेरी इस बात पर मेरी माँ मुझसे बहुत नाराज हुई। बोली, जो आदमी तेरी बहन की शादी के लिए वक्त नहीं निकल पाया, उसके पास तेरे लिए भी वक्त नहीं होगा। तू सब्र कर, तेरे बाबा पुलिस वाला है, इस रोहन और उसके घर वालों को छोड़ेंगे नहीं। बाबा को यह बात पता चली तो वह भी बहुत नाराज हुए और उन्होंने मुझे जाने से सख्ती से रोक दिया। मैं दिन भर रोहन को कॉल मिलाती रही, लेकिन इसका फोन अभी भी स्विच ऑन ऑफ था। रात को मायूस होकर मैं बिस्तर पर जाकर सो गई। अब रोहन की तरफ से कोई उम्मीद बची ही नहीं थी। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि जल्द ही मेरा और रोहन का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। रोहन का ही फोन था। मैंने झट से फोन उठाया। उधर से रोहन की आवाज आई और रोता हुआ बोला, प्रिया, सब खत्म हो गया। मैंने कहा, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ। अगर तुम मेरे घर आकर मुझे यहां से ले चलो तो हमारा रिश्ता अभी भी बन सकता है। रोहन ने कहा, मैं अपने रिश्ते की बात नहीं कर रहा। इतना कहकर रोहन फिर से रोने लगा। मैंने कहा, रोहन, क्या बात है, तुम इतना रो क्यों रहे हो? रोहन ने कहा, भैया और भाभी का एक्सीडेंट हो गया है। भैया की मौके पर डेथ हो गई है और भाभी अभी भी सिटी अस्पताल में है। रोहन के मुंह से बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। फोन करने के बाद मैंने घर में यह बात बताई तो मेरे घर में भी मायूसी छा गई। मेरी वजह से मेरे घर वाले रोहन के भैया और भाभी से नफरत करते थे, लेकिन जब उन्होंने दोनों के इस एक्सीडेंट के बारे में सुना तो इन लोगों की सारी नफरत खत्म हो गई और पापा ने फौरन मेरे छोटे भाई को बुलाकर अस्पताल के लिए गाड़ी बुक करने को कह दिया। सुबह के 5 बजे तक हम लोग अस्पताल पहुंच चुके थे। मेरी जेठानी की हालत बहुत नाजुक थी। मेरी जेठानी को होश नहीं आ रहा था। 3 दिन पहले ही दोनों मियाँ बीवी घूमने के लिए गए थे और वापसी में इनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। मेरे जेठ मौके पर ही खत्म हो गए, लेकिन जेठानी अभी भी कोमे में थी। कुछ दिनों तक मेरी जेठानी के इलाज चलता रहा। मेरे घर वाले घर जा चुके थे। अब अस्पताल में मेरी जेठानी सिर्फ मेरे भरोसे ही थी। रोहन सुबह ड्यूटी पर चले जाते और रात को ड्यूटी से लौटते वक्त अस्पताल से होते हुए घर जाते। मैं अस्पताल में दिन रात अपनी जेठानी की सेवा में लगी रहती। यह देखकर रोहन का बर्ताव भी बदल गया था। वह फिर से मुझसे बेहद प्यार करने लगा था। मुझे अस्पताल में रहते हुए 15 दिन गुजर चुके थे। अब तो अस्पताल ही मेरा घर बन चुका था। इस दौरान मेरे जेठानी की सेहत में इतना फर्क जरूर हुआ था
कि वह होश में आ चुकी थी। उनके पति के मरने का पता भी उन्हें चल चुका था, लेकिन वह किसी से कुछ बोल पाने की हालत में नहीं थी। कुछ दिन बाद डॉक्टर ने छुट्टी दे दी और मेरी जेठानी घर आ गई। धीरे धीरे 2 महीने गुजर चुके थे। मेरी जेठानी की सेहत काफी कुछ ठीक हो चुकी थी। मेरी जेठानी के मायके में कोई नहीं था, इसलिए उनकी हर तरह की देखभाल मुझे ही करनी पड़ती। इसी समय मुझे पता चला कि मैं पेट से हो चुकी हूँ, तो यह खबर मैंने सबसे पहले रोहन को ही दी। वह बहुत खुश हुआ और सीधे अपनी भाभी के पास जाकर उनके हाथों को चूमते हुए इन्हें यह खुशखबर सुना दी। मेरी जेठानी कुछ बोल तो नहीं सकती थी, बस उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान नजर आई। धीरे धीरे वक्त गुजरा और मेरा 8वां महीना शुरू हो गया। इस दौरान मैंने महसूस किया कि रोहन अपनी भाभी के करीब होता जा रहा था। प्रेगनेंसी की वजह से मेरी हालत ऐसी थी कि मैं घर का जरूरी काम भी नहीं कर पाती थी, और रोहन ड्यूटी पर चले जाने के बाद ज्यादातर मैं अपने कमरे में ही रहती। रात को रोहन ड्यूटी से वापस आता तो मेरे लिए खाना और अपनी भाभी के लिए जूस लेकर आता। मैं खुद जाकर अपनी जेठानी को जूस पिलाती और अपने कमरे में आकर मैं और रोहन खाना खाकर सो जाते। सुबह में देर से उठती, तब तक रोहन नाश्ता तैयार कर चुका होता। मेरे साथ सुबह का नाश्ता करने के बाद वह तैयार होकर अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता। एक दिन पेट में दर्द होने की वजह से मेरी नींद जल्दी ही खुल गई। रोहन को लगा कि मैं अभी नींद में हूं, तो वह उठा और कमरे से बाहर निकल गया। मैं भी दबे पांव उसके पीछे कमरे से बाहर निकल आई। मैंने देखा कि रोहन सीधे अपनी भाभी के कमरे में घुसा और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं रोहन की इस हरकत से बहुत हैरान थी। मैं काफी देर खड़ी रही और फिर चुपचाप जाकर अपनी जगह लेट गई। 30 मिनट बाद रोहन कमरे में आकर मेरे पास लेट गया। मैं रोहन के इरादे को समझ नहीं पा रही थी, और वह पहले भी ऐसा करता था। तब मेरी जेठानी एकदम तंदुरुस्त थी, लेकिन अब तो वह किसी अपाहिज की तरह बिस्तर पर पड़ी रहती है। फिर रोहन कमरा बंद करके उसके साथ क्या करता है? कहीं ऐसा तो नहीं भाभी पूरी तरह ठीक हो गई हो और बीमार होने का नाटक कर रही हो कि मेरी नजरों में दोनों की हकीकत छुपी रहे? अपाहिज होने की आड़ में देवर भाभी का रोमांस चल रहा हो और मुझे खबर तक नहीं लगी। मैं अगले कुछ दिनों तक समझ नहीं पाई। मुझे रोहन से फिर से नफरत सी होने लगी थी। मैं रोज देर रात को रोहन को भाभी के कमरे की तरफ जाते हुए देखती। मेरी गहरी नींद में सो जाने के बाद रोहन बिस्तर से उठकर अपनी भाभी के रूम में जाता और अंदर से दरवाजा बंद करके आधे घंटे बाद वापस आता, पसीने में नहाया हुआ होता और मेरे बगल में लेट जाता। मेरा बच्चा होने में अब भी 20 दिन बाकी रह गए। मैंने तय कर लिया था कि मैं अब ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बच्चा होने के बाद में 1-2 हफ्ते तक कमरे से बाहर नहीं निकल पाऊंगी, इसलिए बच्चा होने से पहले ही मैं दोनों को रंगे हाथ पकड़ने का मौका देख रही थी। रात को रोहन घर आया तो हमेशा की तरह मेरे लिए खाना और अपनी भाभी के लिए जूस लेकर आया था, और जूस का गिलास मुझे पकड़ाते हुए बोला, भाभी को जूस पिलाकर आओ, फिर हम खाना खा लेंगे। मैंने कहा, आज तुम पिलाओ, मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं सोने जा रही हूं। इतना कहकर मैं रोहन के सामने ही बिस्तर पर लेट गई। रोहन जूस का गिलास लेकर गया तो मैंने देखा कि फिर से भाभी का दरवाजा अंदर से बंद हुआ और 30 मिनट बाद ही दरवाजा खुला। रोहन को हाथों में खाली गिलास लिए कमरे की तरफ आता देखकर मैं झट से बिस्तर पर लेट गई। कमरे में आते ही रोहन ने कहा, तुम अभी तक लेटी हुई हो, उठो, थोड़ा सा खाना खा लो। मैंने कहा, मुझे भूख नहीं लगी है, मेरी भूख तो मर चुकी है। लेकिन मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा था, मुझे उसके लिए खाना पड़ा। खाने का पहला निवाला मुंह में डालते ही रोहन ने कहा, मैंने कल ऑफिस से छुट्टी ली है क्योंकि कल भाभी को लेकर अस्पताल जाना है, उनकी तबीयत फिर से बिगड़ रही है। मैंने कहा, ठीक है, आप कितने बजे अस्पताल के लिए निकलेंगे? रोहन ने कहा, मैं सुबह जल्दी निकल जाऊंगा, कल भाभी के कहीं टेस्ट होने हैं, इसलिए मुझे आने में देर हो जाएगी। खाना खाने के बाद रोहन जल्दी सो गया, लेकिन मैं रात भर जागती रही। मेरी नींद गायब हो चुकी थी, मैं तो बस सुबह होने का इंतजार कर रही थी। सुबह उठकर रोहन ने नाश्ता बनाया और मेरे साथ नाश्ता करने के बाद अपनी भाभी को गाड़ी में बिठाकर अस्पताल के लिए निकल गया। रोहन के जाते ही मैं मार्केट गई और वहां से एक छोटा कैमरा खरीद लाई, और उस कैमरा को मैंने अपनी जेठानी के कमरे में ऐसी जगह फिट कर दिया जहां से उनका पूरा कमरा कवर हो रहा था। इस कैमरे को मैंने अपने मोबाइल से कनेक्ट कर दिया। मुझे यह सब करते हुए दोपहर के 3 बज चुके थे।
तभी रोहन की कॉल आई कि वह अस्पताल से वापस आ रहा है। मैं अपने आज के काम से बहुत खुश थी। कल तक मेरे पास सबूत होगा जिसके सहारे रोहन और उसकी भाभी की असलियत मेरे सामने आ जाएगी। रोहन अपनी भाभी को लेकर अस्पताल से घर आया और भाभी को कमरे में बेड पर लेटाकर मेरे कमरे में आ गया और फिर उसने अपनी भाभी की सारी दवाइयां मुझे पकड़ा दी। कौन सी दवाई कब खानी है यह मुझे समझाने लगा। इस दौरान इसकी फिक्र देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे जेठानी इसकी भाभी नहीं बल्कि बीवी हो। रात को रोहन खुद ही अपनी भाभी के कमरे में जूस और दवाइयां लेकर गया और आधे घंटे में वापस लौट कर आया। खाना खाने के बाद सो गया और मैं सुबह होने का इंतजार करती रही। मेरे गहरी नींद में सोने के बाद रोहन उठा और अपनी भाभी के कमरे में चला गया। 30 मिनट के बाद पसीने में लथपथ होकर लौट आया और मेरे पास लेट गया। जब रोहन अपनी ड्यूटी पर चला गया तो मैं झट से अपनी जेठानी के रूम में गई। वह सो रही थी। मैंने वहां से कैमरा हटा दिया और अपने कमरे में आकर मोबाइल में कल से अब तक की रिकॉर्डिंग देखनी शुरू की तो मेरे होश उड़ गए। रोहन अपनी भाभी के कमरे में गया, इन्हें गोद में उठाकर व्हीलचेयर पर बिठाया और भाभी की गंदी चादर को उठाकर उसने एक तरफ रख दिया और फिर उसने इस गंदी चादर की जगह साफ चादर को बिछा दिया। फिर गंदी चादर को कमरे के बाथरूम में ले जाकर धोने लगा और फिर उसने धोई हुई चादर को कमरे की खिड़की पर ही सूखने के लिए टांग दिया। फिर उसने अपनी भाभी की सलवार उतार कर इन्हें धोए हुए साफ कपड़े पहनाए और गंदे कपड़ों को बाथरूम में ले जाकर धोने लगा। इस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद मेरी रूटीन यही हो गई थी कि जैसे ही रोहन अपनी ड्यूटी पर निकलता मैं कैमरा कैमरे में छुपा देती और अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग देखने बैठ जाती और हर बार मुझे रोहन की वही रूटीन नजर आती। रोहन अपनी भाभी के कमरे में उनके साथ जो करता था या तो पति कर सकता था या कोई बेटा ही अपनी माँ की ऐसी देखभाल कर सकता था। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हुई और मैं अस्पताल में दाखिल हो गई। 3 दिन बाद ही मैंने खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया और कुछ दिनों में मैं अपनी बेटी को लेकर घर आ गई। इस दौरान मेरी माँ मेरे ससुराल आ गई थी। एक दिन मैंने अपनी माँ को रोहन और इसकी भाभी वाली वीडियो दिखाई तो उसने अपने माथे पर हाथ रख लिया और मुझसे बोली, तुम बहुत नादान हो, यह देवर भाभी वाला प्यार नहीं है बल्कि कोई पति ही ऐसा कर सकता है। मैं तो आज ही घर से निकल रही हूँ, कुछ दिनों बाद तुम भी आ जाना, मैं तुझे अब और नहीं रहने दूंगी। जिस दिन मेरी बेटी 1 महीने की हुई मेरी जेठानी की तबीयत बिगड़ी और अगले दिन अस्पताल में उनकी मौत हो गई। जेठानी की मौत से रोहन बिल्कुल टूट सा गया। ऐसा लग रहा था जैसे रोहन की सगी माँ की डेथ हुई हो। कुछ दिनों बाद एक दिन मैंने रोहन का मूड देखकर उससे पूछ लिया। मैंने कहा, रोहन अब तो भाभी इस दुनिया में नहीं है और मैं जानती हूँ कि तुम उनसे बेहद प्यार करते थे। इतना प्यार तो कोई बेटा भी अपनी माँ से नहीं करता। तुम इनके गंदे कपड़े अपने हाथों से धोते थे। रोहन ने मेरी तरफ देखा और गहरी सांस ली और थोड़ी देर की खामोशी के बाद बोला, मैं और मेरे भाई ने बचपन में ही बहुत कुछ झेला था। मेरी सगी माँ बचपन में ही मर गई थी और मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरे पापा की मौत के बाद मेरी सौतेली माँ ने मेरे पापा की पूरी प्रॉपर्टी को हड़प कर लिया और हमें दर दर के ठोकरे खाने पर मजबूर कर दिया। मेरे भैया ने मजदूरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया। 10 साल पहले मेरे बड़े भैया ने भाभी से शादी की जो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। भाभी के माँ बाप भी इसे छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। भाभी के पास जो कुछ भी था उन्होंने मेरे भैया के हवाले कर दिया और उन्होंने मेरी माँ की तरह परवरिश की। मैंने अपनी सगी माँ को नहीं देखा था लेकिन भाभी ने सगी माँ की कमी पूरी कर दी। 6 साल पहले मुझे डायरिया हो गया था और कई हफ्तों तक मैं बिस्तर पर पड़ा रहा। इस दौरान मेरा ख्याल मेरी भाभी ने ही रखा था। अगर कोई दूसरी औरत होती तो मेरे गंदे कपड़ों को हाथ भी नहीं लगाती लेकिन अपनी बेटे की तरह गंदे बिस्तर को साफ करके मेरे कपड़े को धोती। इन्हीं की देखभाल की वजह से ही मैं मौत के मुंह से वापस आया लेकिन मेरी देखभाल में इतनी ताकत नहीं थी इसलिए मैं अपनी भाभी को बचा नहीं सका। इतना कहकर रोहन मेरे कंधों पर सर रखकर रोने लगा। इसकी यह हालत देखकर मुझे रोना आ गया। साथ ही रोहन को लेकर मेरी दूसरी गलतफहमियां दूर हो गई। मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझने लगे कि मुझे रोहन जैसा पति मिला था। मैंने अपनी माँ को फौरन फोन मिलाया और बोली, माँ मैं अब मायके नहीं आऊंगी। इस कहानी से हमें एक सबक मिलता है कि शक इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। कई बार हम जिन चीज़ों को गलत समझ लेते हैं उनके पीछे की वजह बिल्कुल अलग ही होती है। इसलिए सिर्फ शक की बुनियाद पर ही आखिरी फैसला तक पहुंचना हमारी बेवकूफ़ी साबित होती है।
तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और स्टोरी कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नई वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।